मैं सरकार से आग्रह करूंगा, माननीय हेमंत बाबू, यहाँ अभी लोगों का कहना है हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो हिम्मत है, और हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा महोदय, जितना काम हुआ है 5 साल के अंदर में उसका जांच होना चाहिए, और सही सही अगर जांच हो जाता है सारे लोग कटघरे में जेल के अंदर रहेंगे, जेल जाना ही तय है। महोदय स्वच्छ भारत अच्छी बात, स्वच्छ इनका सूचना सुन लीजिए, सूचना बोलिए सचिव बाबू क्या सूचना है, क्या सूचना है महोदय, मैं बाकी विधानसभा की स्थिति के बारे में जिक्र कर रहा था, सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाया गया वह पुल का जो विगत 1 साल पहले बना, और सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन का मालिक कांग्रेस पार्टी का विधायक देवेंद्र सिंह का वह कंपनी है, और आज तक सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन ही पूरे काम को किया है, और सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो भी काम किया गया है, यानी देवेंद्र सिंह के द्वारा जो काम किया गया है, महोदय विधायक द्वारा जो काम किया गया है, वो 1 साल के अंदर असो ढहा गया, आपका बात आ गया, आपका बात आ गया, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, आपका बात आ गया, आ गया, आप बोलिए, बोलिए, अब ग्रामीण विकास की बात है महोदय, आप बोलिए, गांव में रहने वाले लोग, लोगों के लिए मनरेगा से काम चलता था महोदय, मनरेगा का काम चलता था, लोगों को काम मिलता था, लेकिन बीजेपी की सरकार में ये मनरेगा का काम भी बंद हो चुका है, बंद हो चुका है, और महोदय आज गरीब लोग जो काम करने वाले हैं, इतने उसमें क्षमता है यहाँ झारखंड के लोगों में, जे आज यहाँ पर क्षमता रहने के बावजूद भी वो बाहर चले जा रहे हैं कमाने के लिए, कोई पंजाब जा रहे हैं, कोई असम जा रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मिजोरम जा रहे हैं, लेकिन आज तक उन लोगों के लिए कोई काम नहीं मिला महोदय, अभी हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और ये ग्रामीण सड़क मनरेगा का काम अभी बोलिए, आप अपने बात जारी रखिए महोदय, महोदय अभी अभी जो भी पहले में थोड़ा बहुत काम हुआ था मनरेगा से, 60-40 का रेशियो मेंटेन होने के बाद भी उसका पेमेंट आज तक नहीं हुआ है, उसका पेमेंट आज तक नहीं हुआ है, महोदय आज प्रधानमंत्री आवास का एस्टीमेट है 1,20,000, महोदय महोदय अभी हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ने अलग से प्रति व्यक्ति को आवास वाले को 50,000 रुपया अलग से देने का उन्होंने प्रावधान किया, महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, महोदय जो शहर में रहते हैं, शहर में नहीं के बराबर आग लगी होता है, कभी कभार होता हुआ, लेकिन देहात में आग लगी होता है महोदय, काफी ग्रामीणों का घर जल जाता है और सारा चीज स्वाहा हो जाता है, आपसे मैं आग्रह करूंगा माननीय सरकार से कि महोदय कम से कम उसके लिए अलग से उसको व्यवस्था किया जाए, ताकि सारा चीज जल जाता है, घर में अगर डकैत ढुक जाता है महोदय तो चावल ले जाता है, जेवर ले जाता है, लेकिन अनाज तो रह जाता है, कपड़ा रह जाता है महोदय, लेकिन आग लग जाने के बाद गरीब के यहाँ कुछ नहीं होता है, अगर उस गरीब को हम लोगों को जिंदा करना है, उस गरीब को हमको व्यवस्था देना है, भगवान न करे कहीं आग नहीं लगे, लेकिन अगर आग लग जाता है महोदय सारा चीज उसका खत्म हो जाता है, इसलिए आपके माध्यम से मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं महोदय कि कम से कम उस गरीब के लिए अलग से उसको देने दिया, उसको उसके लिए कुछ राशि देना चाहिए, आपदा में तो है महोदय, लेकिन स्पेशली सरकार की तरफ से अलग से ऐसे वैसे लोगों को सहायता मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलता है महोदय, मुश्किल से
थोड़ा सा तेल दे दिया जाता है, किरासन तेल, और 5 किलो 10 किलो चावल मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए सरकार इस पर संज्ञान ले और उसके लिए व्यवस्था करे। महोदय अभी जो स्कूल है महोदय, देखिए महोदय सिर्फ सड़क बना देने से नहीं, सिर्फ आवास बना देने से नहीं, विकास तभी होगा महोदय जब उस गांव में शिक्षा का विकास होगा, लोग शिक्षित होंगे। इसलिए शिक्षा पर हम सराहेंगे कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा शिक्षा पर फोकस करने का काम किया है। आप लोग सहयोग दीजिए, हाव हाव करने से काम चलने वाला नहीं है, ये सरकार बनी है। माननीय सदस्य महोदय, गरीब इन लोगों के समय में बीजेपी की सरकार में महोदय कंबल बांटा था, कंबल गरीब लोगों के लिए, कंबल बांटने का काम ये लोग किया था। जानते हैं गरीब कितना गरीब को कंबल मिला, घोटाला कितना हुआ है, सरकार इसका भी जांच कराए। गरीब लोगों का कंबल में घोटाला, बारे बाह हाथी उड़ाया, और अभी जगह जगह पर जो गेट बनाया गया है उसमें हाथी लगा दिया गया। कहां हाथी उड़ता है, उसको हटवाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, वो हाथी फाती हटाइए, ये दिखाने का है। हाथी उड़ता है क्या, और महोदय माननीय सदस्य पर आपका समय, आदिवासी अपना बात को मुस्लिम का बात दिन रात ये लोग माला जपते रहता है। लड़ाई झगड़ा मत पैदा कराइए, झारखंड ही एक ऐसा प्रदेश है यहाँ के लोग शुरू से रहते आए हैं, कोई झगड़ा तकरार का बात नहीं हुआ था। लेकिन आज ये बीजेपी की सरकार जब से यहाँ आई, यहाँ में भी और केंद्र में भी, लेकिन खाली मंदिर बनाओ, मंदिर बनने से गरीब का विकास होता है क्या? माननीय सदस्य आप अपना बातों को समाप्त करें। महोदय भाई सदन के माध्यम से हम माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप मुस्तैदी से काम करिए। और ये लोग का आदत है काम नहीं होने देगा जाते, ये लोग हड़काएगा गरीब लोगों को, उसकाएगा। आज महोदय हम सुने ना महोदय, आज हम एक दिन ब्लॉक में समीक्षा कर रहे थे तो उसमें इन लोग के समय में प्रधानमंत्री आवास में इतना बिचौलिया, जब हमने चिन्हित करने का काम किया तो मोस्टली 90% बीजेपी के लोग हैं जो बिचौलिया का काम कर रहे हैं, 90%। देखिए माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ। माननीय सदस्य आप अपने बातों को समाप्त करें। माननीय सदस्य महोदय और बहुत कंक्लूड करते हैं, मैं सुनिए भाई आपसे आग्रह करूंगा महोदय, ये यहाँ पर एचईसी में जितने लोगों का जमीन गया है महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री ने उन लोगों को भी विस्थापन के लिए उन लोगों को भी जमीन देने का काम किया है महोदय। और आपसे अंत में मैं यही कहूंगा महोदय, आपके माध्यम से सरकार को, ये जो बिल्डिंग यहाँ पर बना है विधानसभा का महोदय, जितना बड़ा एरिया है महोदय, ये यहाँ पर 100% ट्राइबलों की जमीन है महोदय। मेरा ऐसे आग्रह होगा सरकार से आपके माध्यम से कि यहाँ पर जितने गरीब लोगों को हो सकता है पहले भी इसका अधिग्रहण हुआ हो, कंपनसेशन मिला हो, लेकिन महोदय कंपनसेशन कितना दिन तक चलेगा? मेरा आग्रह होगा कि सरकार से आपके माध्यम से कि वैसे परिवार को जो जिनकी जमीन गई है वैसे परिवार को थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में रह करके आजीवन मतलब चलते जाएगा, यहाँ नौकरी मिलना चाहिए भैया, तब एक सोर्स बनेगा यहाँ के गरीब लोगों का, क्योंकि वो भी ग्राम के रहने वाले है। इसलिए जितने लोगों का जमीन गया है महोदय, कंपनसेशन मिला भी है, लेकिन आज यहाँ जरूरत है
मेंटेनेंस का काम, थर्ड ग्रेड का, फोर्थ ग्रेड का काम आज वो आदमी को मिलना चाहिए जिसका जमीन गया है और चलते रहेगा। अगर वो काम करते तो मर भी जाता है, मरना तो है इसी को, कभी मर जाता है, उसका बेटा बेटी को मिलना चाहिए ताकि उसका आने वाले समय में उसका घर, उसका समाज में चला सके, एक सोच बन जाए कि नहीं हम लोगों का जमीन गया तो गया लेकिन हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कम से कम आज सोर्स हम लोगों को मिला है, इसके लिए उन लोगों को भूख का चिंता नहीं होगा। और अब यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार में न किसी तरह का वो ब्लीचिंग होगा, कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर सब सुनिए, यहाँ पर बहुत मजहब के लोग हैं, बहुत मजहब के लोग हैं, मजहब को लड़ने का काम मत करो, मजहब को लड़ने का काम मत करो, ये झारखंड कैसे शांति रहेगा, अमन चैन की जिंदगी लोग जिएंगे गरीब लोग। आप यहाँ विकास तो होना ही है, चाहे बिजली का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का काम हो, चाहे सिंचाई का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे बिल्डिंग का काम हो, सारा काम होते रहेगा, होगा। माननीय सदस्य, पांच साल, माननीय सदस्य, छह साल भी नहीं, आपका समय समाप्त, माननीय सदस्य आपका समय समाप्त, आपका समय समाप्त, माननीय सदस्य हो गया।